सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। स्पाइस जेट की विमान परिचारिकाओं एयर होस्टेस ने एयरलाइन पर स्ट्रिप सर्चिंग का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया है। स्ट्रिप सर्चिंग में लगभग निर्वस्त्र करके अपमानजनक तरीके से तलाशी ली जाती है। परिचारिकाओं के साथ यह वाकया चेन्नई एयरपोर्ट पर पेश आया। विरोध करती परिचारिकाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्पाइस जेट ने इस तरह की तलाशी से इनकार किया है। विमान परिचारिकाओं का कहना है कि ड्यूटी पूरी करके जाते समय उनकी इस तरह से तलाशी हुई। उन पर उड़ान के दौरान खाना और अन्य वस्तुएं बेचने में रुपयों की गड़बड़ी करने का शक किया गया। यह वाकया 28 और 29 मार्च की रात का है। स्पाइस जेट ने कहा है कि उसकी सेवाओं में अचानक कर्मियों की तलाशी ली जाती है, लेकिन इस तरह की स्ट्रिप सर्चिंग नहीं होती जैसी कि विमान परिचारिकाएं बता रही हैं। विमानन कंपनी ने कहा है कि तलाशी की कवायद सुरक्षा मानदंडों का हिस्सा है और इसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही अंजाम दिया जाता है। प्रवक्ता ने कहा कि स्ट्रिप सर्चिंग के आरोप की जांच कराई जाएगी। अगर वैसा कुछ हुआ है तो करने वाले को दंडित किया जाएगा। तलाशी का मकसद धन और सामान की चोरी, तस्करी या अन्य गैरकानूनी कार्य को रोकना है। कंपनी यात्रियों, कर्मचारियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहती है। कर्मियों की तलाशी उसी तरह ली जाती है जैसी कि देश के हवाई अड्डों के भीतर जाने वाले यात्रियों की ली जाती है। एयरलाइन कर्मियों की तलाशी बंद कमरे के भीतर प्रशिक्षित कर्मी द्वारा ली जाती है। महिला की तलाशी महिला सुरक्षा कर्मी लेती हैं और पुरुष कर्मियों की तलाशी पुरुष सुरक्षा कर्मी लेते हैं।